चुनावी शोरगुल के बीच आंखों में आंसू और जुबान पर न्याय की फरियाद लेकर शीला नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ में दर दर पर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांग रही हैं। इनेलो बसपा गठबंधन की प्रत्याशी के भाषणों में अपराध का खात्मा प्राथमिकता पर रहता है। हल्के की समस्या और जन सरोकार के मुद्दे उठाने के साथ ही उनके समाधान पर शीला राठी लगातार चर्चा कर रही हैं। शहर के बागवाला मोहल्ले व कबाड़ी मार्केट में आयोजित जनसभाओं में पहुंची इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी का फूलों मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं ने नाच गाकर उनका अभिनंदन किया। जनसभाओं में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। करीब 7 महीने पहले एक जघन्य हत्याकांड में अपने पति पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को गंवाने के बाद भी शीला राठी ने जनता की आवाज़ बनने का साहसिक निर्णय लिया। अपने पूरे परिवार के साथ शीला नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ की गली गली में जाकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। वे हल्के की समस्याओं के खात्मे के साथ ही अपराध और भ्रष्टाचार के सफाई के लिए अपना संकल्प दोहरा रही हैं। उनका मानना है कि बहादुरगढ़ की हर माँ बहन व बेटी उनके दर्द को महसूस कर रही है। अपनी तकलीफ के साथ ही उन्होंने बहादुरगढ़ हल्के के दर्द को मिटाने का बीड़ा भी उठाया। बहादुरगढ़ का चहुमुखी विकास करवाने के साथ ही इसे सुरक्षित शहर बनाना भी उनकी पहली प्राथमिकता है। शीला राठी के साथ उनके पुत्र भूपेंद्र राठी, जितेंद्र राठी, भतीजे कपूर राठी, दीपक राठी, पुत्रवधु मोनिका राठी व प्रीति राठी आदि बहादुरगढ़ के हर कोने में जाकर लोगों से न्याय की इस लड़ाई में सहयोग समर्थन के साथ वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। जनसभाओं को संबोधित करते हुए शीला राठी ने कहा कि हम न्याय और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से हम बहादुरगढ़ में तमाम समस्याओं का समाधान कर लोगों को बेहतर सुविधाएं दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में गंभीरता से काम करेंगे। स्वर्गीय नफे सिंह राठी समस्त बहादुरगढ़ वासियों को अपना परिवार मानते थे। आज हम जनता के बीच आए हैं और जनता का भी हमें खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। यह जन समर्थन वोट में तब्दील होकर हमें चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगा। शीला राठी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पूरा बहादुरगढ़ हलका हमारे साथ है। इस लड़ाई में न्याय की जीत होगी और बहादुरगढ़ की जीत होगी।